बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आपकी शादी कब होगी, ये सवाल मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन इन दिनों इलेक्शन होगा नहीं होगा, तो इन्हें अदालत होगी नहीं होगी, मार्शल्ला लगेगा या कोई एमरजेंसी लग रही है, वज़ीर आज़म रहेगा या ये भी घर जा रहे हैं, इस वक्त जहाँ पर चले जाओ बस यही सवाल आते हैं, यही डिस्कशन है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर जगह पर जहाँ पर थोड़ी बहुत पॉलिटिकल डिस्कशन हो रही है, कोई चाय पी रहा है, कोई इफ्तारी कर रहा है, कोई सहरी कर रहा है, कहीं पे भी बैठो यही डिस्कशन चल रही है। हुकूमत को 20 अप्रैल का इंतज़ार है और आवाम को 10 अप्रैल का। ये 20 और 10 अप्रैल की दोनों तारीखें क्यों अहम है, कुछ ही देर में आपको बताऊँगा कि किस तरह से दोनों इन तारीखों में एक दूसरे को फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी की जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त है अब से चंद लम्हात पहले की, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले क्योंकि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का एक बहुत ही अहम इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ और इस इजलास में इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फुल ऑन जाने का फैसला कर लिया है। अब से कुछ देर पहले यह डिसीजन हुआ है कि वफाकी काबीना ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया था, अब उसी फैसले की तौसीक कौमी असम्बली से भी कराई जाएगी, यानी कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर वहां से भी बावाज़े बुलंद ये कहा जाएगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानते। ये इतनी खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो रही है कि आपके मुल्क का मुस्तकबिल एक तरह से खतरे में है। कितनी सॉवरन गारंटीज हैं हमारी, कितनी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो खाली इस वजह से है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है, अदलिया आज़ाद है। अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू हुआ, रेकॉर्ड एक का मामला आप देख लें, वो सुप्रीम कोर्ट ने जाके सेटल कराया। जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाहर के इन्वेस्टर को ये अश्योरिटी नहीं दिला दी गई कि सुप्रीम कोर्ट बीच में गारंटर है, तब तक ये नहीं हल हो रहा था। तो अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फुल ऑन जा रहे हैं, आपको लगता है कि फिर इन्वेस्टर्स पाकिस्तान का रुख करेंगे या हम स्टेबल कंट्री के तौर पर आगे बढ़ सकेंगे? इस तरह नहीं होने वाला। खैर, चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ जुडिशियल मिसकंडक्ट पर रेफरेंस दायर करने पर भी आज गौर हुआ और कानूनी टीम को अहम टास्क सौंप दिया गया है कि जनाब इन तीनों के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस दायर कर दिया जाए। हिदायत कहां से आ रही हैं? लंदन से बैठ के वो शख्स हिदायत दे रहा है जो खुद कानून को मतलूब है। वो बता रहा है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस और साथी जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर होना चाहिए और जिस बिल को इस वक्त सदर मंजूर नहीं कर रहे, उसे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर मुत्तफिका तौर पर मंजूर कराया जाए। ये लड़ाई अब बहुत आगे तक जाती दिखाई दे रही है। 10 और 20 अप्रैल की तारीखों में जाने से पहले बज़ाहर ऐसा लग रहा है, एक तासुर ऐसा दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने भी एक बार फिर पंजाब के आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया और उन्होंने भी ज़राए से खबरें चलाई हैं कि इलेक्शन कमीशन तैयार है और हम हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं और जनाब इलेक्शन कराएंगे। आम लोगों को जिसको ज़रा सी भी सियासी शऊर हो, उसको पता है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है या क्या करेगा, वो किन अहकाम पर अमल दरामद कर सकता है। ये शेड्यूल पहले भी उन्होंने जारी किया था, लेकिन अब की बार थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पहले जो तारीख थी जिसे उन्होंने रद्द कर दिया था, वो सदर की जानिब से दी गई थी और अब तारीख सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, जिसके नतीजे में तख्ते लाहौर की लड़ाई का एक तरह से बाजाबता आगाज़ दिखाई दे रहा है। ऑल्दो कि अभी बहुत सारी चीज़ें धुंधलाई हुई हैं, उतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन लग रहा है कि ये लड़ाई का आगाज़ हो रहा है। कुछ देर पहले इमरान खान ने भी अपने कारकुनान से कहा कि वो अब इलेक्शन के लिए तैयार रहे और वो कल से ही टिकटों की तकसीम का अमल शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ हुकूमत और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो सर जोड़ के बैठी हुई हैं। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक तवील इजलास हुआ, इफ्तार भी इसी इजलास के दौरान गई और मुशावरत कर रहे हैं कि क्या करें। हकीकत यह है कि फंस बहुत बुरे गए हैं। वो किसी ने ट्विटर पे लिखा हुआ था कि पीडीएम को समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन की तैयारी करें, ईद की तैयारी करें या फिर भागने की तैयारी करें। तो फिलहाल जो तीसरा ऑप्शन है वो ज़्यादा मौजूं और मौसर नज़र आ रहा है, क्योंकि हुकूमत के करीबी ज़राए का, जो बहुत ही करीब हैं, जिनके पास अंदर की खबर रहती है, वो ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत 14 मई को इलेक्शन नहीं कराएगी, किसी सूरत नहीं कराएगी, क्योंकि बड़े मियाँ साहब का बाहर से बैठ के ऑर्डर है छोटे भाई को और उन्होंने छोटे भाई को फंसाने का सीन बना रखा है। बाहर बैठे बैठे कह रहे हैं कि इलेक्शन की बजाय फुल ऑन जजेस के खिलाफ जाएं, रेफरेंस दायर करें। यही गलती इमरान खान की हुकूमत में हो चुकी है। इमरान खान को भी काजी फैज ईसा का रेफरेंस दायर करने के लिए कहा गया था, ऑल्दो कि ये इमरान खान की अपनी मर्जी या उनका अपना फैसला नहीं था, लेकिन मैं उससे उन्हें बरी उजुम्मा करार नहीं दे रहा। वो रियासत के सरबरा थे, मना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रेफरेंस भेजा, वो इस सारे फैसले में शामिल रहे, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। और आज उनके वुजरा, वो खुद उनके साथी ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई थी, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं।
आजम स्वाति से मेरी बात हुई, उन्होंने भी काजी फाइजीसा साहब को पैगाम देते हुए कहा कि वो हमारी गलती थी और हम उसे तस्लीम करते हैं, लेकिन आप आइन के गार्डियन हैं, आपको इस आइन को बचाना है, ये नहीं कि साथी जजेस के खिलाफ एक अलग से मुहिम चलनी शुरू हो जाए। आपने एक चीज़ नोट की होगी, काजी फाइजीसा के ख़िलाफ़ हम तो बैठ के कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, या उनको हम ये नहीं कह रहे कि वो पंजाबी जज हैं या पख्तून जज हैं या वो ऐसे जज हैं या वैसे जज हैं, हमारे लिए वो वैसे ही काबिल एहतराम है, सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज हैं, हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं। जो भी सिचुएशन हो, हम उनको उस तरह से फुल ऑन जाके टेक ऑन नहीं करना चाहते जैसे बाकी लोग कर रहे हैं या बाकी सियासी जमातों के जो हामी एक तरह से सहाफ़ी हैं या ग्रुप हैं, किस तरह से टेक ऑन कर रहे हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को और उनके साथियों को, और किस तरह से उनको तशबीह दी जा रही है ऐसी ऐसी चीज़ों से, यहाँ पे नाम भी वो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स जो अपने बाल सफ़ेद कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की कवरेज करते हुए, जिनको आइन की कानून की हुक्मरानी का पता है, जिनको जजेस की रिस्पेक्ट का पता है, इदारे की रिस्पेक्ट का पता है, वो खुद किस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं और किस तरह के तशबीह दे रहे हैं मौजूद जजेस को, मैं यहाँ पे बयान भी नहीं कर सकता। खैर, बाजार ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को कोई ना नया बयानिया चाहिए और उनको वो इस सूरत में मिल रहा है, और उन्हें शायद ये किसी ने बताया है कि ये बयानिया शायद आपको रेस्क्यू कर सकता है, पॉपुलर हो सकता है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अब वो नहीं बोल सकते, वहाँ पर तो वोट को इज्जतों का सौदा बिल्कुल सुकून से हुआ है ना, वो तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं रह गई। इसलिए अब ये एक बाई डिज़ाइन एक मुहिम अदलिया के ख़िलाफ़ शुरू की गई और इतना कॉन्ट्रोवर्शल कर दिया गया कि आम अगर किसी को कोई ज़्यादा समझ बूझ नहीं है ना आइन की कानून की, तो उनको भी लगेगा कि यार ये क्या हुआ, फुल कोर्ट बना देते इसमें क्या था, लेकिन असल अंदर की कहानी का आप लोगों को या उन लोगों को, मासूम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये असल गेम क्या थी और क्यों ये सारा कुछ हो रहा था। गुज़िश्ता रात एक टीवी चैनल पर खबर एयर हुई कि शहबाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि वो इलेक्शन नहीं कराएंगे और नाअहली का सामना करने के लिए तैयार हैं, और इसके लिए उन्होंने अपनी अलविदाई तकरीर भी तैयार कर ली है। पता नहीं कौन सी अलविदाई उन्होंने तकरीर तैयार की, जो एक बार पहले भी करने जा रहे थे, वो जनरल बाजवा के हालिया मुबैना इंटरव्यू में मैंने सुना देखा कि उन्होंने कोई तकरीर तैयार कर ली थी, इरफान सदीकी से लिखवा ली थी, लेकिन करने का मौका नहीं मिला, और अभी एक बार फिर ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने तकरीर तैयार कर ली और वो छोड़ रहे हैं, अलविदाई तकरीर है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, क्योंकि मैं मीडिया का हिस्सा हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से अंदाज़ा है कि ये खबरें कैसे आती हैं और कैसे चलती हैं, तो ऐसी खबरें या तो फेक हैं या फिर किसी एक की तरफ से किसी दूसरे को पैगाम भिजवाने के लिए भी चलाई जाती हैं कि भाई हमारा ये स्टैंड है। तो शहबाज शरीफ अगर नाअहली के लिए तैयार हैं तो क्यों तैयार होंगे, क्या वो भी चाहते होंगे कि बड़े भाई की तरह 5 साल के लिए नाअहल हो जाए, फिर पार्टी मरियम संभाल लेगी क्या? तो शहबाज शरीफ साहब इस हद तक जा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं? अगर अब नाअहली होती है तो क्या उनके माइंड में ये चीज़ है कि काजी फाइजीसा साहब आके उनको रेस्क्यू करेंगे? क्या ये इतना आसान होगा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकाम पर एक डेडलाइन भी लगा दिया, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि हुकूमत को इंतज़ार है 20 अप्रैल का, इसलिए कि जो मुतनाज़ बिल उन्होंने मंजूरी के लिए सदर को भेजा हुआ है वो किसी ना किसी तरह से मंजूर हो और वो अपनी मर्ज़ी की प्लानिंग कर सकें जो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत उसे ज़्यादा से ज़्यादा 20 अप्रैल तक ही रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इसके बाद वो खुद ब खुद एक एक्ट बन जाएगा या कानून बन जाएगा, इसलिए फिर हुकूमत जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन 20 अप्रैल के बाद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को फंड्स फ्राहम करने का पाबंद बनाकर हाथ पांव बांध दिए हैं। फंड्स जारी हो गए तो हुकूमत का फंड्स की अदम दस्तियाबी का जो बहाना था वो ख़त्म हो जाएगा, और अगर फंड्स जारी ना हुए तो 20 अप्रैल से पहले पहले नाअहली की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। तो ये हुकूमत इतनी बुरी तरीके से फंस गई है कि 20 अप्रैल तक जाते हैं सदर, उसमें बड़ी रुकावट है। 20 अप्रैल से पहले करना चाहते हैं तो अदालत का ऑर्डर है कि 10 अप्रैल तक आपने जनाब ये पैसे जारी करने हैं उनको, इसलिए हुकूमत अब ये चाहती है कि सदर का इंतज़ार किए बगैर ही पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास बुलाएं और उस इजलास में मुतफिका तौर पर वो बिल मंजूर करा लिया जाए। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, अगर इस दौरान सदर ने बिल पर तशरीह के लिए कोई सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया तो मामला फिर लटक जाएगा।
फिर हुकूमत जाने और बंदयाल साहब जाने, क्योंकि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है लेकिन उसकी तशरीह करना ये अदालत का काम है। आप कितना बड़े से बड़ा कानून बना लें, बेशक 2/3 मेजॉरिटी से बना लें, बेशक पूरा हाउस आगे बना लें, बेशक अपर एंड लोअर हाउस दोनों मिलके बना लें, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट उसे कवर फराहम नहीं करेगी या एडमिट नहीं करेगी, आप उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते। तो तशरीह करना अदालत का काम है, इसलिए आप अदालत से पंगा लेने के लिए कानून बना रहे हैं तो वो आपको महंगा पड़ सकता है। इस सारी सूरतहाल के दौरान इमरान खान कहाँ हैं? तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि वो अपनी सहरी और इफ्तारी मामूल के मुताबिक जारी रखेंगे कारगुनान के साथ। वो इन दिनों तो बल्कि वो देख रहे हैं कि मतलब क्या हो रहा है, मतलब उनसे मामला निकला है, अब ये इधर इधर चल रहा है। पहले तो सारे का सारा ही उनकी तरफ था ना, तो वो जजेस को रिक्वेस्ट कर रहे थे, देखें हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, खुदा के लिए आप नोटिस लें, ये देखें ये आईन और कानून से बालातर होके ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो उस वक्त इतनी नहीं सुनी गई, अब वो सारा कुछ उसी सुप्रीम कोर्ट के साथ हो रहा है। अब वो देख रहे हैं सिचुएशन को कि कहाँ तक जाता है मामला। और अब जैसे जैसे इलेक्शन के हवाले से फिज़ा बन रही है, जो पंजाब के सरकारी बाबू हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता सीधे होते जाएंगे कि जिनके खिलाफ हम जुल्म कर रहे हैं वो तो कहीं इक्तदार में ना वापस आ जाएं, और बल्कि आते दिखाई दे रहे हैं। आगे इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान करवा दिया, शेड्यूल जारी हो गया, और अगर कल को पैसे भी मिल गए, फंड्स जारी हो गए, तो फिर हमारी तो शामत है। तो इसलिए अब उनकी हवा भी आहिस्ता आहिस्ता उस बैलून से निकलने लगेगी जो नकवी साहब ने भर के रखा हुआ है। हुकूमत ने इलेक्शन रुकवाने और इमरान खान को कॉर्नर करने के लिए अब तक जितने रियासती वसाइल इस्तेमाल किए हैं, काश उससे आधे, सिर्फ आधे बल्कि आधे से भी आधे अगर अवाम और मुल्क की बेहतरी के लिए किए होते, या जितने इजलास अब हो रहे हैं, जरदारी साहब वीडियो लिंक पे हैं, इधर मौलाना साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे हुए हैं, रातों रात इजलास हो रहे हैं, सहरी के टाइम इजलास हो रहे हैं, इफ्तार के टाइम इजलास हो रहे हैं, अगर इतनी मनसूबाबंदी या इससे आधी भी आपने कर ली होती इस मुल्क के लिए, तो ये हाल ना होता मुल्क का जो इस वक्त है। आपको बयानियां बनाने की ज़रूरत ना पड़ती, आपको आवाम से जाने के लिए इतना खौफ ना आता जितना अब है। मुल्क में डॉलर का हाल देखें और हमारी रियासत की जो तरजीहात हैं, ज़रा एक नज़र उनकी तरफ देखें कि अदलिया के ख़िलाफ़ आप देखें कि किस लेवल की मुहिम चल रही है, और दूसरी तरफ अदलिया में ही दर्ज होने वाले नए केसेस का ज़रा से आप मुवाजना करें कि किस किस्म के केसेस आ रहे हैं। इमरान खान की बेटी के बाद, मुबैना बेटी का जो केस था उसके बाद आज एक नया केस दर्ज हुआ है उनके खिलाफ, और वो है उनके निकाह से मुतालिक। और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इद्दत के दौरान निकाह का एक इल्ज़ाम लगाकर ऐसा केस दर्ज किया गया है जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है, और कहा गया है कि ये निकाह दुरुस्त नहीं था। और दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा जज ने इस केस की समाअत आइंदा 8 अप्रैल को करनी भी है। तो दरख्वास्त गुजार ने आज अदालत के रूबरू जाके अपना बयान चयान कलमबंद करा दिया है, और जो लाहौर में निकाह पढ़ाया गया था उसकी कॉपी भी साथ में लगा दी है, और स्टेट को फरीक भी बना लिया गया है बुशरा बीबी और इमरान खान को। तो मैं बस ये सोच रहा था कि हमारी तरजीहात कहाँ पे होनी चाहिए, हम कहाँ पर जा रहे हैं, ये सियासी लड़ाई है। मैं कहता हूँ अदालतों को बड़े बड़े फ़ैसले इस लेवल के देने चाहिए थे कि कोई टेक्नोलॉजी कंपनी लाने में कोई रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए अदालत कोई अपना ऑर्डर जारी करे, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने में कोई रुकावट है अदालत उसको दूर करने के लिए ऑर्डर जारी करे। यहाँ पर सुबह शाम बस वर्कर्स को गिरफ़्तार किया गया, कारकुनान आ रहे हैं। कल सुबह भी इमरान खान के 8 केसेस की पेशी है, पता है, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में। वो मेरा ख्याल नहीं आ रहे, दरख्वास्त देंगे इस्तस्ना की, हाज़िरी से इस्तस्ना की, लेकिन कहने का मकसद यह है कि इस तरह के केसेस हैं। खैर, आप शुक्राने के नवाफिल जारी रखें, अभी अदलिया में उम्मीद की बहुत सारी किरणें बाकी हैं जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सूरत में। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और मज़बूत करे, और उस तरह के बाकी जजेस को भी हिम्मत दे ताकि पूरी कौम उनके साथ डट के खड़ी हो। आज तक के लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।